हेलो एवरीवन, दिस इज अरियंत। ये क्विक अपडेट वीडियो है रिगार्डिंग द मार्केट कि मार्केट आज ऑल टाइम हाई के आसपास गया और वहां से अच्छी खासी बुकिंग भी आ गई वापस। एंड आगे क्या मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, क्या यहां से हमें लॉन्ग कंटिन्यू रखने चाहिए कि बुक करने चाहिए, तो क्विकली एक अपडेट ले लेते हैं रिगार्डिंग द मार्केट। देखो, सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, जो कि मैंने संडे को पोस्ट की थी, कि कीप आई ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बैंकिंग सेक्टर। और देखो, आज बैंकिंग ने ही लीड किया मार्केट को। ऑल दो ब्रेकआउट नहीं आया यहाँ पे, HDFC बैंक गिवन द ब्रेकआउट, बट यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट बैंक ने अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है। अब प्राइवेट बैंक का जो चार्ट है दैट इज नियर अ रेजिस्टेंस जोन, और वहाँ से थोड़ी सी बुकिंग आई भी है। लेट्स सी कल क्या होता है, कंटिन्यू होता है, ब्रेकआउट आता है क्या। अगर आता है तो आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है, एंड इस ब्रेकआउट के बाद में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं वापस। एंड पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा बुलिश है अभी। हाँ, मोमेंटम में चल रहा है, तो बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज है। जब तक इस रेंज में है, रेंज को ब्रेक करता है जिस साइड से, उस साइड हम शिफ्ट होंगे, ये मैंने बताया था। उसके बाद में क्विकली हम देखते हैं निफ्टी को। देखो, निफ्टी में आज क्या हुआ, निफ्टी हमने संडे को डिस्कस किया था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ से बाउंस मिला था, तो हमने ये डिस्कस किया था कि कंटिन्यू हो सकता है ये बाउंस, राइट। क्योंकि जो फ्राइडे क्लोजिंग हुई थी वो एक सपोर्ट से बाउंस लेके क्लोज हुई, तो ये बोला गया था कि यहाँ से वापस से ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की ट्राई कर सकता है मार्केट, ऑल टाइम हाई लगा सकता है, इवन 16,000 के आसपास जा सकता है। एंड जो कि आज हुआ, मार्केट ने आज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल हिट किया, 15,915 के आसपास ऑल टाइम हाई था, एंड टुडेज हाई इज 15,913.95। बट एकदम से सेकेंड हाफ में मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एंड उसके बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट मार्केट 15,816 के आसपास आके क्लोज हुआ, एंड 15,801 का लो लगाया। अब देखो क्या है कि जो 15,915 से लेके 16,000 का लेवल है, वो एक थोड़ा क्रूशियल लेवल होने वाला है, क्योंकि वहां से रिजेक्शन मिली, राइट, और रिजेक्शन भी थर्ड टाइम मिली है वहां से, सेकेंड टू थर्ड टाइम वहां से इसी एरिया के आसपास देखो रिजेक्शन मिली है। तो डेफिनेटली ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है, बट ओवरऑल अच्छा सपोर्ट है नियर 15,600, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बार बार मैं आपके साथ वो शेयर नहीं करूंगा, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं पहले वाली में, जो कि डिटेल में बताया गया कि 15,000 एक सपोर्ट लेवल। अभी जो ये क्रैश आया आज, उसमें आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स की जो न्यूज़ थी उसकी वजह से यहाँ बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला था। आप देखो कि अराउंड यू कैन से 1:45 PM यहाँ तक इसका हाई चल रहा था 357, और सडनली लास्ट के कुछ यू कैन से एक दो घंटे में एक बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और ये देखो ये शेयर ने लोअर सर्किट हिट किया आज, इट वाज अराउंड 311। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली, तो इट वाज ड्यू टू द JLR में चिप की शॉर्टेज की न्यूज़ की वजह से ये इसमें एकदम से इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग कि टाटा मोटर क्या और ज़्यादा ऐसी फॉल कंटिन्यू करेगा, क्या लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं एक क्विक अब वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या नेक्स्ट हमें इसको कैच करना है, कहाँ पे कैच करना है, क्या नेक्स्ट इसकी मूव हो सकती है, एंड क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो पहले ये समझते हैं कि न्यूज़ क्या थी। तो न्यूज़ थी कि चिप की शॉर्टेज हुई है, जो कि प्रोडक्शन में काम आती है, राइट। अब वो शॉर्टेज हो गई, तो उनका कहना है कंपनी का कि वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक कम हो सकती है, राइट। एंड ये सॉल्व कब तक होगी, इस ईयर के सेकेंड हाफ तक सॉल्व होगी। एंड 50% प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली एबिटडा भी कम होगा, तो डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो उतने ही रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली कंपनी को लॉस होगा उससे। बट अब देखो हम टेक्निकल इसको देखते हैं कि कहाँ पे इसके अच्छे सपोर्ट दिखते हैं, क्या लेवल हो सकते हैं। तो जैसा कि इस शेयर का ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था नियर अराउंड 356 to 360, और आज भी ये डेफिनेटली इसी लेवल के आसपास था। अगर ये न्यूज़ नहीं आती तो भी ये वाला लेवल जो था वो प्रॉफिट बुकिंग का ही लेवल था,
जब तक कि ये 360 से ऊपर नहीं जाता शेयर, यहाँ पे क्या होगा, सेल ऑन राइज है. सेल ऑन राइज इन द सेंस कि आप आराम से नीचे बाय करो और 360 के आसपास प्रॉफिट बुक करो, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है. और एक बार इसको क्रॉस करता है तो बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है. और इसका सपोर्ट कहाँ था, अगर हम सपोर्ट देखें एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट, तो इट वॉज नियर अराउंड 342 यू कैन से 335 तक अच्छा सपोर्ट था. एंड नेक्स्ट सपोर्ट वॉज नियर यू कैन से 325 टू 318, जो कि उसको भी ब्रेक कर दिया और उसके नीचे ये क्लोज हुआ है. तो इसने दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स थे वो अपने विद वॉल्यूम ब्रेक किए हैं और उसके नीचे क्लोजिंग दिए. तो डेफिनेटली थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रही है, हो सकता है कि कल गैप डाउन भी हो जाइए. नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, तो नेक्स्ट सपोर्ट इज नियर 307 टू 302. ये एक छोटा सपोर्ट है एंड द बिग सपोर्ट इज ओनली नियर 285 टू 282. यहाँ पे आता है तो एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है. बट अभी देखो मार्केट इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता कि कल किस साइड मूवमेंट हो सकती है. वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग कि ये नेक्स्ट लेवल्स है. तो अब क्या है, 316 पे ये लेवल अभी है, मार्केट क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट अपसाइड जो है वो 325 के ऊपर इसको वापस निकलना पड़ेगा. अगर 325 का लेवल क्रॉस नहीं करता, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. और वो कितनी हो सकती है, 308 टू 302 ये फर्स्ट लेवल है. इससे भी अगर नीचे जाता है तो 280 तक, 280 टू 285 तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, पॉसिबिलिटी है. अब ये भी हो सकता है कि कल मान लो थोड़ा सा गैप डाउन होता है, उसके बाद रिकवर भी हो जाए, तो डेफिनेटली अगर 325 से ऊपर वापस शेयर जाता है तो ये मोमेंटम कैच कर सकता है और वापस से ये ऊपर जाने की ट्राई कर सकता है टूवर्ड्स 340 टू 360. बट 360 इज अ रेजिस्टेंस फॉर टाटा मोटर, और जब तक ये क्रॉस नहीं करता इस लेवल के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. तो मेजर सपोर्ट इज नियर ओनली 280 टू 285 एंड 308 टू 302. तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा एंड डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ. अगर एक बार लेवल ब्रेक हो गया, राइट, मेजर सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो आपको एक बार बुक कर लो. इफ यू आर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो और मेजर सपोर्ट ब्रेक होता है तो भी आप प्रॉफिट बुक करो वहां पे. अगर आपका थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो भी एक बार बुक करके निकल जाओ. एंड डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ कि हमें 350 वाली चीज 315 में मिल रही है या 311 में मिल रही है. वेट करो, मार्केट विल गिव यू अ चांस. हाँ, अगर अच्छे लेवल के आसपास आता है, जो कि मैंने बताया कि 280 के आसपास है और 308 के आसपास है, और वहां से थोड़ा सा आपको मोमेंटम दिखता है, कुछ अच्छा पैटर्न बनता है, तो यू कैन कैच द शेयर. ओके, दैट्स ऑल. यही मेरे को आपके साथ शेयर करना था. बहुत ज़्यादा पैनिक था कि टाटा मोटर में क्या होगा, लॉस बुक करें क्या. हाँ, कुछ क्वेरी ये भी आ रही थी कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग क्या बुक कर लें क्या. देखो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग का शॉर्ट टर्म अप मूव और डाउन मूव से कोई रिलेशन नहीं है. आप अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है, तो आपने क्या देख के की है कंपनी में, आपने क्या फंडामेंटल्स उसके रीड किए हैं, वो एक दिन में चेंज नहीं होते हैं. तो आप जो डे टू डे मूव है उसके बेसिस पे अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कट करने का डिसीजन नहीं ले, राइट? तो यही मेरे को आपके साथ शेयर करना था. इफ यू लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एंड आने वाले टाइम में हम और क्वालिटी इंक्रीज करेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा मैं. एंड लेट्स ग्रो टुगेदर. थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर.